और भी ये देखो लड़ना शुरू हो गई, लड़ना शुरू हो गई दोस्तों। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट ऑसम ओ स्पीक्स, यू आर वॉचिंग बर्ड्स बडीज विद आफ्ताब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मगर मैं खैरियत से नहीं हूँ। मैं काफ़ी दुखी हूँ, दुखी क्यों उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो चूज़े हैं इनकी मैं इतनी ज़्यादा केयर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे। दो हफ्ते से मैं इनको दवाई वगैरह दे देकर मैं हार तो नहीं रहा, मैं अपनी हिम्मत नहीं हार रहा, मैं इनको दे रहा हूँ, मगर फिर भी ये अभी तक ठीक नहीं हो रहा। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। आप देख रहे हैं, एक दिन ठीक हो जाते हैं, उसके बाद ये दोबारा वही हरकत करने शुरू हो जाते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहा कि इनकी कोई चीज़ ऐसी हो जिनसे इनको बीमारी होती हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मगर उसके बावजूद भी ये अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। और नीचे वाले चूज़ों की भी एक बहुत बुरी खबर है, इस मादी ने पहले भी अपने बच्चों को मारना शुरू किया था, तो मैंने इसको अलग कर दिया था और इसने अभी दोबारा अपने बच्चों को मारा है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो चार अंडे रह गए हैं, पांच अंडे सॉरी, तो हम ये वाले अंडे उठा के दूसरी जो मादी वहाँ पर कुड़क बैठी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसको दे देते हैं। दोस्तों ये जो मादी है ये यहाँ पर बैठी है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसको यहाँ से उठा के मैं वो जो अंडे वहाँ पर पड़े हैं उधर रख देता हूँ, क्योंकि ये वो मादी तो बिल्कुल भी अंडों की केयर सही से नहीं कर पा रही है। तो इस मादी को मैं जो है सो वहाँ पर रख दूँगा और वो यही अब उनकी केयर करेगी। वो मादी बिल्कुल ख़राब है, उसने अभी तक अपने दो अंडे खा लिए हैं, शायद वो सही से बैठना नहीं चाह रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये मैं इसको अंडों पर बिठा देता हूँ यहाँ पर। अब खुद ही थोड़ी देर के बाद ये अंडों पर बैठ जाएगी। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊँगा कि ये बैठती है नहीं बैठती है। और दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने इनको सुबह फीड दी थी उन्होंने खा लिया, फिर काफ़ी हद तक इन्होंने ख़त्म कर लिए। देखते हैं उनके, हाँ माशाल्लाह भरे हैं भरे हैं। और दोस्तों ये हैं ऑस्ट्रेलियन बजीज़, इन्होंने देखते हैं अंडे दिए हैं नहीं दिए। नहीं दोस्तों अभी तक इन्होंने कोई भी अंडा नहीं दिया हुआ, और इन्होंने अपनी जो कंगनी है उसको भी बिल्कुल खाली कर दिया है, खाली नहीं किया बल्कि गिरा दिया नीचे। तो ऐसा मैं करता हूँ कि इसको कंगनी उठा के दे देता हूँ वहाँ से। और दोस्तों डकलिंग्स का पूल बिल्कुल ख़राब हो गया, इस पूल को भी कुछ किसी तरीके से साफ़ हम करते हैं, और इनको लग रहा है कि शायद इसमें कुछ है, मगर इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसमें तो अपने भाई कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, देख लो कुछ नहीं है माशाल्लाह। ये बहुत ही कदावर जो चूज़ा है, और इसमें देख रहे हैं आप ये खाली है, इनको लग रहा था शायद इसमें कुछ है। और यहाँ पर मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंगनी ले ली है, ये मैं जाकर अपने जो ऑस्ट्रेलियन बजीज हैं छोटे उनको दे देता हूँ, क्योंकि वो जब खाएंगे तो बड़े होंगे। क्योंकि मादी, मुझे लग रहा है मादी के हमने पर काटे थे, उसके बाद से वो ना उड़ रही है और ना ही वो अपने पर बड़े कर रही है। शायद वो काफ़ी ज़्यादा एजिड थी, इस वजह से उसके पर बड़े नहीं हो रहे, या तो फिर कोई और मसला है इसके साथ। फीड तो मैं इनको पूरी टाइम पे दे रहा हूँ, तो और अब मैं इनके पास लाइसोविट भी रखता हूँ, वो ताकत की दवाई होती है, ऐसा ना हो कि कहीं इसको ताकत ना मिल रही है। तो दोस्तों अभी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो कंगनी मैं इनके लिए ले आया हूँ, कंगनी की जगह मैंने असल में वो जो दूसरी चीज़ हुआ करती थी ये इसमें मैं उनको दे देता हूँ सिल्कीज़ को, इसी वजह से ये कंगनी अपनी गिरा रहे हैं आजकल। और दोस्तों आपको इन चूज़ों के साथ वो पीला वाला चूज़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पीला वाला चूज़ा ये देखें यहाँ पर ये फंस गया है। पीला वाला चूज़ा मेरे ख्याल से, मैं कल यूनिवर्सिटी गया था तो मैं इनको खोल कर गया था, उसके बाद वो पीला वाला चूज़ा ज़्यादा बीमार था, वो अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहा था और वो शायद किसी कौवे की ज़िद में आ गया, वो मर गया दोस्तों। तो और ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह, इनको शायद भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मैं इनको जैसे ही दिया ये खाने शुरू हो गए। दोस्तों धनिया पुदीना मैं ले आया हूँ और इनको मैं किसी सेफ़ जगह पर जाके दे दूँ जहाँ पर ये मिलजुल कर खा लें और तंग ना करें ज़्यादा एक दूसरे को, तंग तो ना करें तो इनकी शायद ऐसा समझे कि वो गुजरती नहीं है। तो वह मैं इनको सबको यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर मिलजुल कर खा लें। तो दोस्तों मैंने इनको दे दिया, ये देखें सब एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, कोई भी ये देखिए लड़ना शुरू हो गई, लड़ना शुरू हो गई दोस्तों। दोस्तों ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो डकलिंग्स हैं उनके लिए बनाया हुआ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ डकलिंग्स ही खाएंगे, गीली रोटी है, क्योंकि इनको मैं फीड और गीली रोटी वगैरह खिलाता रहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं डकलिंग्स मेरे पीछे नहीं आ रहे, वैसे तो ये छोड़ते ही नहीं है जान, मगर अब मैं इसको जब सुखा लूँगा एक घंटा खा दूँगा तो उसके बाद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ नहीं यार दोस्तों ये मेरे पीछे नहीं आ रहे, ऐसा करता हूँ मैं इनको डाल के उसके बाद इनकी तरफ लेके जाता हूँ। तो ये जो कंटेनर है इसमें मैं इनकी रोटी डाल दी है, और अब मैं इनको आ जाओ भाई आ जाओ 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 आ जाओ
शाबाश शाबाश शाबाश। आप देख रहे हैं कितने ख़तरनाक तरीके से ये खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों इनको मैंने बंद ही कर दिया क्योंकि शाम का टाइम है, यहाँ पर खा के और यहीं पर रेस्ट कर लें। और ये सिल्कीज भी अपने जो है सो फीड को लगे हुए हैं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।